तो फ्रेंड, जैसे आपने देखा कि नोनी स्कूल जा चुकी है और मैं भी स्कूल जा रही हूँ, और बाकी जो पूरी कहानी है वो मैं आपको वापस आके सुनाऊंगी। तो तब तक आप वेट करो मेरे स्कूल से वापस आने का, क्योंकि आज स्क्रिबल डे भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो चलो फिर, बाय। बाय तिवारी, जान ही नहीं रही है, पूछ ले। यहीं से मैं शुरू करके गई थी, यहीं पे मैं वापस आ गई हूँ। तो अब मैं कपड़े जल्दी से चेंज कर लेती हूँ, बहुत गर्मी थी बाहर, सच में बहुत गर्मी थी। हमने स्क्रिबल डे मनाया, आप देख सकते हो इधर पीछे भी है पूरा। तो ये पूरा हमने स्क्रिबल डे बना लिया। अब मुझे नोनी को लेने जाना है बाहर, फिर से जाना पड़ेगा गर्मी में। अभी मैं गर्मी से आई हूँ, फिर गर्मी में जाऊँगी, मज़ी जाऊँगी। तो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब जिम्मेदारी है तो करनी पड़ेगी। चलो फिर, पापा भी जा ही रहे हैं, उनको बाय कर देते हैं, फिर चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे इतना बुरा लग रहा है ना कि मैं घर में अकेली हूँ, क्योंकि नोनी तो है नहीं, और नोनी के बिना तो मुझे अकेला अकेला लगता है। आज मैंने पानी भी खुद ही बनाया अपना। और मैं, मेरे को ना स्कूल में मम्मा ने ना ये दिया था पुलाव, पर मैं खा ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला। तो अब मैं पुलाव खा रही हूँ, उसके अंदर रायता डाल के वो खाऊंगी। उसके बाद 2 बजे तक निकलूँगी नोनी को लेने के लिए, क्योंकि टाइम तो लग ही जाता है बाहर जाने में, तो उसको टाइम से लेके आना है, क्योंकि सुबह उसकी बस छूट गई थी। तो इसलिए उसको लाऊँगी, फिर खाना खाऊँगी, फिर मेरे को ट्यूशन जाना है। मतलब मेरी ज़िंदगी तो ऐसी है। पर चलो कोई नहीं, अब मैं जल्दी से खा लेती हूँ, बहुत टेस्टी लग रहा है, इट्स वेरी टेम्प्टिंग, यू नो। तो फ्रेंड्स, अब मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, एक बार पंखा बंद कर चुकी हूँ। हाँ, तो अब बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। रेडी तो क्या ही है, वही कपड़े पहन के जा रही हूँ और जूते पहनने, बस निकलना है। बिकॉज मैं बिल्कुल लेट नहीं होना चाहती हूँ, बिकॉज अगर लेट जाते हैं तो वो छोटे बच्चे, तो उनको वो लेके आगे चले जाते हैं, फिर पूरा घूम के आएंगे तो उसका पूरा वेट करना पड़ता है। तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए, और धूप बहुत हो रही है, बट जाना तो पड़ेगा ही। तो चलो फिर चलते हैं।
मैं मतलब कि रोनी के स्टैंड पे 2 बजे घर से निकली थी, 2:10 पे पहुंच गई थी, और इसकी बस 3:30 की भी बात आई है, 35-40 पे आई है, और अब हम आ गए हैं घर पे, 4 बजने वाले, मेरी ट्यूशन है, मुझे खाना भी खाना है, आज तो मर गए, इतनी गर्मी पसीना आ रहा है, इसलिए आज ही ट्यूशन नहीं जा रही। देखो मुझे कितना पसीना आ रहा है। खैर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ना फोटो, ये देखो रुको मैं जो मैं ना उठवा दी, देखो ये मेरी फोटो है बचपन की आई कार्ड पे, अभी ब्लर आ रही होगी, चल छोड़ो। हाँ तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बट मजा इतना ज्यादा आया ना नोनी, अभी हमने नोनी का भी इंटरव्यू लेंगे, वो हमें अपना एक्सपीरियंस बताएगी। हाँ अभी के लिए हम रखते हैं, चेंज वेंज करते हैं और बाद में मिलते हैं, बाय। तो फ्रेंड्स चेंज मैंने कर लिया है और बहुत टायर्ड हूँ मैं अभी, और अब हम खाएंगे खाना एसी में बैठ के अंदर, तो चलो खाते हैं। खाने में है आज मेरे फेवरेट पुलाव, आलू बैंगन और दही, वाह मजा आ जाएगा आज तो। Friends, welcome on our show, and we have Anjuka Full Entertainment sitting right beside me, and I want to know her. I want to know her experience of the first year of school. So let's start the interview. Hey, Anjuka, yo yo. Yeah. So friends, we are jo school tha, wo sabse pehle to bahut acha gaya, aur maine apne friends ke saath खूब खेला, खूब डांस करा, खूब बातें करी और बहुत ज़्यादा मस्ती करी, और फिर आकर मैं बहुत ज़्यादा थक गई एंड पता है एक दो क्लासों के बाद ही मुझे इतनी भूख लगने लगी, फिर थैंक गॉड वो तो रिसेस थोड़ी जल्दी हो गई। मतलब हम लोगों ने 4 बजे खाना खाया, अब तो लाइक शाम हो चुकी है, 8:30 हो चुके हैं और हम मम्मा की वेट कर रहे हैं पलके बिछा के। यो अंशिका, चलो फ्रेंड्स फिर आज का व्लॉगिंग एंड करते हैं। इट वॉज अ प्रिटी लिटिल क्यूट व्लॉग, और आप ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, आर चैनल अंशिका फुल एंटरटेनमेंट। बहुत जल्द चैनल का नाम मैं चेंज कर दूंगी। आप मुझे नाम सजेस्ट करो। अंशिका अंकिता अंशिका ब्लॉग्स इज अ नाइस नेम, सो अगर आपके पास कोई नेम है प्लीज सजेस्ट अस इन द कमेंट बॉक्स बिलो। टिल देन बाय। तो गया।